तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की इन रिगार्डिंग ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है? आपकी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड जितने भी वर्कर्स होते हैं जो कच्चे माल को तैयार माल में बदलने का काम करते हैं, तो बेसिकली आपके सभी वर्कर्स मशीनरी के ऊपर काम करते हैं कच्चे माल को तैयार माल में बदलने के लिए। उस दौरान मशीनरी में किसी भी फॉल्ट की वजह से या अनदर किसी फॉल्ट की वजह से वर्किंग आवर्स के दौरान आपके वर्कर्स के साथ जो भी मिसहैपनिंग होती है, तो आपकी फर्म आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन उस डिजास्टर से आपके वर्कर्स को निकालने के लिए उन्हें क्लेम देती है। उसके लिए कौन सा क्लेम दिया जाता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहले आपको इसके बारे में बताने से पहले खोलकर बताने से पहले आपने प्लस वन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। उससे आपको ये बात पूरी क्लियर हो जाएगी कि रिजर्व एक्चुअली किससे रिलेटेड है। तो हम बात करते हैं यहाँ से फर्म को जो प्रॉफिट जनरेट होते हैं साल के दौरान जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, तो साल के दौरान पार्टनरशिप फर्म के थ्रू जितनी भी कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई थी पार्टनर्स के थ्रू उसको उसके ऊपर जो प्रॉफिट जनरेट किए जाते हैं वो प्रॉफिट जनरली रिलेट होते हैं किसके साथ? पार्टनर्स के साथ, क्योंकि पार्टनर्स इसी एक्सपेक्टेशन से पैसा लगाएगा कि उसे मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो पार्टनर्स के लिए वो प्रॉफिट्स क्या बन जाएगी? इनकम्स। और दूसरी तरफ क्या बन जाएगी? वो एसेट्स। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं, पार्टनरशिप फर्म को ये प्रॉफिट किसको डिलीवर करने हैं? पार्टनर्स को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो क्या बन जाएगी? लायबिलिटी, क्योंकि उसने भी चुकाई नहीं है। और दूसरी तरफ क्या हो जाता है? वो एक्सपेंडिचर। बट पार्टनरशिप फर्म क्या करती है? पार्टनरशिप फर्म अपने फ्यूचर की अनसर्टेन लायबिलिटी के लिए कि कहीं किसी वर्कर के साथ एकदम कोई मिसहैपनिंग हो गई और एकदम से पेमेंट करनी पड़ जाए, तो पार्टनरशिप फर्म आपके पार्टनर्स को मिलने वाले प्रॉफिट में से कुछ पार्ट डिडक्ट कर लेती है और क्या बोलती है? हम इसे आपको फ्यूचर में पे कर देंगे। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए ये क्या बन जाएगी? इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि ये आउटसाइडर्स को नहीं पार्टनर्स को पे करने हैं, घर की बात है, तो ये इंटरनल लायबिलिटी बन जाएगी। इसीलिए इसे कहां पे दिखाया मैंने? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो जब आपने पार्टनर्स के शेयर से ये विड्रॉल की थी तो आपने डिडक्शन की एंट्री की थी। आपने डिडक्शन की क्या एंट्री की थी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये कौन सी एंट्री होगी? आपकी ओपनिंग एंट्री, जो आपने पार्ट डिडक्ट किया था पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स के प्रॉफिट्स में से। ठीक है, साल के दौरान किसी भी वर्कर के साथ अगर कोइंसिडेंसली कुछ भी नहीं होता तो ये किसका किसका प्रॉफिट था? पार्टनर्स। तो किसको बटना चाहिए? पार्टनर्स को। किस रेशो में? ओल्ड रेशो। तो आप उस दौरान इसकी क्लोजिंग एंट्री कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। आपने ये क्या की थी? ओपनिंग एंट्री। और ये आपने क्या कर दी? क्लोजिंग। और फर्स्ट मंथ का इंपैक्ट क्या कर दिया? आपने खत्म कर दिया। इस तरह आपको जो बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट गिवन होते हैं उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम इससे रिलेटेड डीके गोयल के बुक में से पार्टनरशिप अकाउंट का ही एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 53 करेंगे, जिससे आपको इसके सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए देखिए, ए डी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। दे एडमिटेड डी फॉर 1/4 शेयर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। और उस डेट को आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के कितने बैलेंस के बाद थे? 80,000। क्वेश्चन नंबर 53। सबसे फर्स्ट केस, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, इट मींस साल के दौरान किसी भी वर्कर के साथ किसी टाइप की कोई भी मिसहैपनिंग नहीं हुई, तो किसका पैसा था? तो किसका प्रॉफिट था? तो किसका प्रॉफिट था? पार्टनर्स का। किसके प्रॉफिट में से निकाला गया था? पार्टनर्स। कुछ भी नहीं हुआ तो किसको वापस कर देना? पार्टनर्स। लायबिलिटी है,
कौन सा बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। इंपैक्ट खत्म करने के लिए जाओगे तो क्रेडिट से क्या कर देंगे? डेबिट। तो आपने फर्स्ट केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन दियर ओल्ड रेशियो टू ए कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने हैं? 80,000। आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ तो किस रेशो में दे देंगे आप? 2:1। ओके, 2:1, 2/5, 32,000 एंड 16,000। ओके, आफ्टर दैट सेकंड केस में क्लेम है आपका 50,000 का। इट मीन्स किसी वर्कर का हाथ पैर या कुछ और में से आपने उसके साथ हुए तो फर्म को कितना क्लेम देना पड़ गया? 50। तो फर्म क्या करेगी? इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से 80,000 में से 50 दे देगी। तो फ्यूचर के लिए फर्म के लिए कितनी लाइबिलिटी बन जाएगी? 50,000। नेक्स्ट बैलेंस शीट में आप कितने दिखा दोगे? 50। ओके, तो 30,000 जो बच गए वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो। तो आपने क्या ट्रीटमेंट किया? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और टू ए टू बी टू सी इन देयर ओल्ड रेशियो। कितने थे? 80। कितने? 50। कितने रह गए? 30। 30,000 को 2:1, तो कितने आए? ये बनते हैं हमारे 12 and 6,000। क्लियर है? आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड केस, इफ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड 80,000। कितने है? 80। क्लेम भी कितने का? 80। 80 से 80 क्या हो जाएगा? क्लैश। बट नहीं, बैलेंस शीट के लिए कितनी लाइबिलिटी क्रिएट होगी क्योंकि पार्टनर्स को तो कुछ भी नहीं मिला उनका वापस? 80,000 एज इट इज। नेक्स्ट बैलेंस शीट के लिए जो आपकी ओपनिंग बनेगी, तो आपने क्या किया? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये कितना आ गया? 80,000। लास्ट और फाइनल केस, उसमें क्या बोलता है ये कि आपके पास क्लेम कितने का है? 1 लाख। रिजर्व में कितने हैं? 80। क्लेम कितना पे करना है? 1 लाख। इट मीन्स नए पार्टनर ने क्या करवाई होगी? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के दौरान क्या बढ़ गई? लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, मैंने ट्रीटमेंट करवा दिया रिवैल्यूएशन वाला, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो बुरी बात है, बुरी बात हो गई डेबिट बैलेंस। तो आपने क्या एंट्री करी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यहाँ से कितने कवर कर लिए? 80। बचे कितने? 20। रिमेनिंग 20,000 आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट से कवर किए, 20 टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना? 1 लाख। अब बात करता हूं मैं 20,000 की लॉस की। प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के किसके होते हैं? ओल्ड पार्टनर्स। तो लॉस भी किसके होंगे? ओल्ड पार्टनर्स। तो आपने क्या एंट्री करी? ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का था? 20,000। 2:1, तो ये कितने बने? 8, 8 और 4,000। इस तरह हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। सिमिलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है एडमिशन के दौरान और सिमिलर ही रहेगा रिटायरमेंट के दौरान। आई होप सो आपका वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड आज सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे।